हाय गाइज, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आज हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हमने अभी तक पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कर लिया है और आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती या हो तो आप कमेंट करके या कोई भी कमेंट करे ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। और आज हम टेंस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अभी हम जो इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, इन तीनों के ये क्लियर हो जाएंगे, फिर हम कंटिन्यू टेंस करेंगे। तो आज हम करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो हिंदी में पहचान है वो है, हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आता है वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे मैं करनाल गया, वे करनाल गए, उसने खाना खाया, वे करनाल जाएंगे, वे खाना खाएंगे, वे पानी पिएंगे, वे खेलेंगे, वे कूदेंगे, वे स्कूल जाएंगे, वे जाएगी, वे जाएगा, ये सारे क्या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ये, ठीक है। ये इसकी पहचान है, गागेगी, हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में गागेगी आता है, ये हिंदी में उसकी पहचान है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। और इसका जो रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस का, सबसे पहले देखिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल और शैल, और इसकी मेन वर्ब है फर्स्ट ही आती है सभी के अंदर इंडेफिनिट के अंदर। केवल पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसी के अंदर सेकंड फॉर्म आती है, और जो इंडेफिनिट टेंस है और सभी के अंदर क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और विल शैल इसकी हेल्पिंग वर्ब है, आप बेशक शैल यूज ना करो, विल भी यूज कर सकते हो। वैसे शैल किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ शैल लगता है, और सभी के साथ क्या लगता है, विल। तो आप आई और वी के साथ भी विल यूज कर सकते हो, गलत नहीं होगा वो। आप शैल नहीं भी यूज करोगे, कोई आपका जो सेंटेंस है वो रॉन्ग नहीं होगा। तो आज हम रूल देखते हैं अफर्मेटिव का। सबसे पहले आपको पता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें जो फ्यूचर इंडेफिनिट है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगी। और जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट कराया, सब्जेक्ट के बाद क्या था, मेन वर्ब थी, बट इसके अंदर क्या, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के बाद, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल है, वह सुबह जल्दी उठेगा, उठेगा गा आया हिंदी के वाक्य के अंत में, तो इंग्लिश है जैसे इसकी, ही विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठेगा। एक एग्जांपल और देखिए, वह उसे मना कर देगा, मना करना होता है फॉरबिड, वह उसे मना कर देगा, ही विल फॉरबिड हिम, वह उसे मना कर देगा। उसके बाद है, आपको रूल तो सेम ही है सबके,
बस चेंज क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। हेल्पिंग वर्ब चेंज से ही हमें टेंस की पहचान हो जाती है। रूल तो सभी के सेम है, जैसे मैंने पहले भी रूल कराए हैं वो सारे सेम है। अब नेगेटिव है, नेगेटिव के में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके अंदर क्या आ जाएगा, नोट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। वह उसे कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। ही विल नॉट गिव हिम एनीथिंग, ही विल नॉट गिव हिम एनीथिंग, कि वह उसको कुछ नहीं देगा। एक एग्जाम्पल और देखिए, वह वहाँ से कुछ नहीं चुराएगा। चुराना क्या होता है, स्टील, क्या होता है, स्टील। वह वहाँ से कुछ नहीं चुराएगा, ही विल नॉट स्टील एनीथिंग, कहाँ से फ्रॉम, से की इंग्लिश क्या, फ्रॉम, फ्रॉम देयर, कि वो वह वहाँ से कुछ नहीं चुराएगा। क्लियर आपका ये नेगेटिव भी। उसके बाद है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में आपको पता है एक क्वेश्चन पुट करते हैं और सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। एग्जाम्पल देखिए, क्या वह कल आपसे मिलेगा, गाया लास्ट में, और यहाँ पे क्या आ गया, क्या, क्या अगर शुरू में आ जाए तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो क्या आया तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या, विल, विल ही मीट यू टुमारो, मीट कहता है मिलना, विल ही मीट यू टुमारो, कि वह कल आपसे मिलेगा। एक एग्जाम्पल और देखिए, क्या वे आज दुकान बंद करेंगे, क्या वे आज दुकान बंद करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, विल दे, सिंगल है, विल दे क्लोज द शॉप टुडे, विल दे क्लोज द शॉप टुडे, क्या वे आज दुकान बंद करेंगे। अब उसके बाद है नेगेटिव इंटरोगेटिव। जो नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव भी दोनों ही इसके अंदर आए, वो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसमें पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है। रूल तो सभी के सेम है, सिर्फ मैंने बोला भी है कि जो हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ वही चेंज होती है और सब कुछ सेम होता है। अब इसके अंदर एक एग्जाम्पल है, जैसे क्या वह कल नकल नहीं करेगा, नकल क्या होता है, कॉपी करना, क्या वह कल नकल नहीं करेगा, इसका इंग्लिश क्या बनेगी, क्या वह कल नकल नहीं करेगा, इसकी इंग्लिश आएगी ही विल नॉट कॉपी टुमारो, ही विल नॉट कॉपी टुमारो, क्या वह कल नकल नहीं करेगा। एग्जाम्पल एक और देखिए, क्या वह आपकी रक्षा नहीं करेगा, क्या वह आपकी रक्षा नहीं करेगा, क्या भी आ गया और नेगेटिव नहीं भी आ गया, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव इंटरोगेटिव। He will not defend you. रक्षा करना होता है defend. He will not defend you. अगर आप not subject से पहले लेके आते हो helping verb के साथ तो भी ये गलत नहीं होगा, या subject के बाद भी यूज कर सकते हो तो ये गलत नहीं होगा, wrong नहीं होगा। उसके बाद है WH family. WH में आपको पता है WH पहले आएगा, फिर helping verb आएगा, फिर subject, फिर main verb की first form plus object. Sign of interrogation. अब example है, जैसे अब हम कहाँ मिलेंगे, कहाँ क्या आ गया, सेंटेंस के बीच में आ गया, कहाँ मिलेंगे, अब हम कहाँ मिलेंगे, ये सेंटेंस के बीच में आ गया, तो डब्ल्यू एच फैमिली से ही बनेगा। अगर शुरू में आ जाए क्वेश्चन वाला जो वर्ड है तो वो किससे बनता है, हेल्पिंग वर्ब से बनता है, मगर यहाँ पे सेंटेंस के बीच में आ गया तो किससे बनेगा, डब्ल्यू एच फैमिली से बनेगा। अब एक एग्जाम्पल है, अब हम कहाँ मिलेंगे, वेयर विल वी मीट नाउ, वेयर विल वी मीट नाउ, कि अब हम कहाँ मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल, उसकी मदद कौन करेगा, कौन क्या आ गया, बीच में आ गया सेंटेंस के, कौन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हु विल हेल्प यू, सॉरी हु विल हेल्प हिम, कि वह उसकी मदद कौन करेगा, हु विल हेल्प हिम, उसकी मदद कौन करेगा। ये तो हो गया इसका इंटरोगेटिव डब्ल्यू एच फैमिली का। अगर हम इसको एज ए अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए तो कैसे बनता है, इसका रूल क्या है, मैंने पहले भी कराया, एक बार और देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगी। डब्ल्यू एच में सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यू एच आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। मगर अगर इंटरोगेटिव हो तो क्या आएगा, डब्ल्यू एच आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा। मगर अगर हम इसको सिंपल बनाए, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए तो क्या आएगा, डब्ल्यू एच फैमिली के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस हो जाता है। जैसे जब तुम सोओगे, जब, वैन क्या होता है, वैन कब और जब। अब ये अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो वैन की इंग्लिश क्या हो जाएगी, जब। अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो कब,
जैसे जब तुम सोओगे, वैन यू विल स्लीप, जब तुम सोओगे। उसके बाद जब तुम आओगे, वैन वैन यू विल कम। ठीक है, ये थी आज का हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, जो कोई आपको पॉइंट क्लियर ना हुआ, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं वो आपका जो प्रॉब्लम है आपकी, उसको क्लियर करा दूंगा। तो आज के लिए हमारी इतनी ही थी। ये पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो गया आपका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट भी टेंस हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कंटिन्यूस टेंस लेके आऊँगा, और आई होप कि आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वो वोकैबुलरी टेंस, हम इंग्लिश का कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो आपने ना किया हो या कोई रह जाए, मैं आपके लिए इंग्लिश के सभी टॉपिक लेके आऊँगा, ताकि आपकी इंग्लिश इतनी इम्प्रूवमेंट हो जाए कि आप इंग्लिश में बातें करना सीख जाओ, इंग्लिश की हिंदी, हिंदी की इंग्लिश बना सको। थैंक यू वेरी मच।